हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा लॉ ऑफ सप्लाई वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देके रखिए, आप अभी के अभी वो देखिए। ठीक है, अब बात करें एक्सेप्शंस यानी क्या होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, एक्सेप्शन यानी कि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो लॉ ऑफ सप्लाई में अप्लाई नहीं होती है, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई में लागू नहीं पड़ती है। आपको पता ही होगा लॉ ऑफ सप्लाई क्या था। तो लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली क्या है, तो लॉ ऑफ सप्लाई जो है इसके हिसाब से ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है दो चीजों के बीच में, एक तो है प्राइस के बीच में और एक है सप्लाई के बीच में। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अगर मान लो प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और प्राइस अगर डिक्रीज होती है, प्राइस कम होती है कोई भी प्रोडक्ट की, तो मार्केट में सप्लाई जो होता है वो कम होता है। इसके पीछे का रीजन आपको पता ही है, प्रॉफिट। अगर प्राइस बढ़ती है तो जो सप्लायर होता है उसका प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ने की वजह से वो अपना मार्केट में सप्लाई बढ़ा देता है। जबकि प्राइस कम होने पे कोई भी सप्लायर का प्रॉफिट कम होता है, जिसकी वजह से वो अपना सप्लाई जो है वो कम कर देता है। ये था लॉ ऑफ सप्लाई। और यहाँ पे प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि दोनों बढ़ रहे हैं या तो फिर दोनों कम हो रहे हैं, इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप कहा जाता है। बट एक्सेप्शंस की बात करें, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें जो लॉ ऑफ सप्लाई में नहीं आती है, जहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होती है, तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां पे इनवर्स रिलेशनशिप भी हो सकती है प्राइस और सप्लाई के बीच में, यानी कि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई कम हो रहा है या प्राइस कम होने पे सप्लाई बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, अपोजिट होना। ठीक है, और एक और चीज हो सकती है कि कोई तरह का चेंज ही ना देखने मिले सप्लाई में, यानी कि प्राइस कितनी भी बढ़ जाए बट सप्लाई में उसका कोई अफेक्ट ना हो, कोई असर ना हो। ठीक है, अभी भी आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा, मैं और अच्छे से आपको क्लियर करता हूं। तो यहां पे हम लोग टोटल 5 पॉइंट पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस के अंदर, कि 5 ऐसी चीजें जिसका सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं होता। वो 5 चीजें कौन सी है, तो सबसे पहला है रेयर गुड्स, नंबर 2 है पेरिशेबल गुड्स, प्रोडक्शन विदाउट प्रॉफिट मोटिव, और सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, और सप्लाई ऑफ लेबर। इस तरह से टोटल 5 पॉइंट्स है, उसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात करें रेयर गुड्स। आपको पता ही है रेयर गुड्स यानी क्या होता है, ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन जिसका नहीं होता, जो लिमिटेड है, बहुत ही ज्यादा रेयर है। जिसमें हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पेंटिंग है कोई भी रिनोन पेंटर की जो अब मर चुका है, जैसे आप यहाँ पे पेंटिंग देख सकते हो मोनालिसा की, जो बहुत रेयर पेंटिंग है और जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा है मार्केट में। ठीक है, एंशियंट कॉइन्स ले लो, ये सारे एंशियंट कॉइन्स है, या तो फिर ओरिजिनल कॉपी कोई भी एंशियंट बुक की या एंशियंट स्कल्पचर, ये सारी चीजें पता है क्या है, रेयर गुड्स है। रेयर गुड्स यानी जिसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत कम होती है। आपको पता है ऐसे गुड्स पे लॉ ऑफ सप्लाई अफेक्ट नहीं करता, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई ही नहीं होता इन चीजों पे। ठीक है, जिसकी वजह से अगर मान लो इसकी प्राइस बढ़े या कम हो, उसका सप्लाई तो उतना ही रहने वाला है। आपको पता ही है क्या ये चीज ज्यादा होने वाली, यानी क्या इसका प्रोडक्शन अब होने वाला है, आंसर इज नो। ये तो जितने हैं उतने ही रहेंगे, उनका सप्लाई फिक्स है, उसका सप्लाई लिमिटेड है, वो बढ़ नहीं सकता। जैसे ऐसी पेंटिंग्स है जिसका मतलब जिसने बनाई है ऐसी पेंटिंग्स, वो उसका पेंटर मर चुका है, तो अब उसका सप्लाई कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसकी प्राइस कितनी भी बढ़े, रेयर गुड्स की कितनी भी प्राइस बढ़े या कम हो, उसका सप्लाई उतना ही रहता है, उसका सप्लाई बदलता नहीं है। ठीक है, आगे बात करें तो न्यू प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ गुड्स इज नॉट पॉसिबल। मैंने पहले ही कहा कि न्यू प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से यहां पे ये एक एक्सेप्शनल केस है लॉ ऑफ सप्लाई का, लॉ ऑफ सप्लाई यहां पे अप्लाई नहीं होता। आगे बात करें एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या अभी तक आपने हमारी बीकॉम की जो सुपर अफोर्डेबल प्राइस में जो बैच स्टार्ट किया उसको ज्वाइन नहीं किया, तो अभी के अभी आप ज्वाइन करें, जिसकी जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 1999 है 6 महीने की, यानी कि एक सेमेस्टर की। तो अभी के अभी आप हमारा कॉन्टेक्ट करें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें या कॉल करें, हम लोग आप तक पहुंच जाएंगे। नंबर 2 है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स यानी ऐसे गुड्स जो कुछ टाइम में खराब हो जाते हैं, यानी कि जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है। एग्जाम्पल दे तो मिल्क हो गया, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, मीट है, एग्स है, ये सारे पेरिशेबल गुड्स माने जाते हैं, यानी कि ऐसे गुड्स को हम लोग स्टोर कर सकते नहीं है, इसको मतलब जैसा ही प्रोडक्शन हुआ उसको बेचना पड़ता है। ठीक है, तो therefore in the supply of this type of goods go down, अगर मान लो ऐसे goods का supply market में कम हो जाता है
तो ये गुड्स जो है वो मार्केट में देखो स्टोर करना पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे गुड्स को हम स्टोर करेंगे। अब सीधी सी बात है, वेजिटेबल को आप स्टोर कर करके भी कितना दिन करोगे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता, उसके बाद वो बिगड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो गुड्स होते हैं ना, उनका सप्लाई जो होता है उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब इसकी प्राइस बढ़े या कम हो, उसका सप्लाई तो उतना ही रहने वाला है, बिकॉज ऐसे गुड्स क्या है, पेरिशेबल है। दूसरी बात करें, बट आज के डेट में एक और चीज हो गई है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया, यानी कि हम लोग अलग अलग तरीके से, अब देखो आपको पता ही है मिल्क है, तो आपको अमूल का जो मिल्क आता है, जो बॉटल में आता है, आपने देखा होगा फ्लेवर्ड मिल्क, वो 6-6 महीने तक चलता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसकी वजह से हम लोग आज की डेट में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी टाइम पे ये सारी चीजें पेरिशेबल तो है, बट ये लॉन्ग टर्म तक चल सकती है, 6 महीना यानी कि कुछ ज्यादा ही टाइम पीरियड हो गया, तो उस टाइम पे सप्लायर जो है वहां पे लॉ ऑफ सप्लाई इफेक्ट करेगा, क्योंकि देखो जब मान लो इनका स्टोरेज पॉसिबल है तो सप्लायर इसकी प्राइस जब मार्केट में बढ़ेगी तब उसका सप्लाई बढ़ा देगा। ठीक है, या तो फिर इसकी प्राइस जो है वो अगर कम होगी तो वो उसका सप्लाई कम कर सकता है। क्या रीजन है इसके पीछे, बिकॉज उनको हम लोग प्रॉपर जगह पे स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज प्लेस है उसकी प्रॉपर, बट इन केस पहले ये चीज नहीं थी तो उस टाइम पे एक्सेप्शनल केस हुआ करता था पेरिशेबल गुड्स, बट अब ये जो है वो इसको एक्सेप्शनल में नहीं माना जाता लॉ ऑफ सप्लाई में, पहले था ये, बट अभी ये चीज नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, बिकॉज इसको हम स्टोर कर सकते हैं। आगे बात करें तो तीसरा है प्रोडक्शन विदाउट प्रॉफिट मोटिव। अब आपको पता ही है लॉ ऑफ सप्लाई तभी रिलेट होगा जब कोई भी सप्लायर प्रॉफिट को ध्यान में रखे। प्रॉफिट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बढ़ता है और कम होता रहता है। ठीक है, बट अगर मान लो कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है बट उसका जो मोटिव है ना वो प्रॉफिट नहीं है, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो वहां पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं हो पाएगा, लागू नहीं पड़ पाएगा। ठीक है, चलो हम लोग इसको समझते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई तभी अप्लाई होता है जब कोई भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन किया जाए प्रॉफिट मोटिव के साथ, तभी जाके ये लॉ अप्लाई हो पाता है। दूसरी बात करें तो यहां पे अगर मान लो आप पॉलिटिकल प्रेस्टीज या तो फिर सोशल स्पिरिट या तो आउट ऑफ सीर बिनोवेलेंस, इसका मतलब होता है आप जो है वो चैरिटेबल वर्क कर रहे हो। ठीक है, चैरिटेबल वर्क कर रहे हो यानी दान पुण्य डोनेशन ये सब कर रहे हो। ठीक है, एंड द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज डन, और कोई भी चीज कर रहे हो, बट अगर आपका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, ये सारी चीजें जो की जाती है वो हम लोग विदाउट प्रॉफिट मोटिव करते हैं, जैसे आप चैरिटी करते हो, आप दान करते हो, तो आपका उसमें ये मोटिव नहीं होता कि आप उसमें से प्रॉफिट अर्न करोगे। ठीक है, दैट्स व्हाई यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं हो पाएगा, और यहां पे ये भी कहा गया है कि लॉ ऑफ सप्लाई तभी अप्लाई होगा जब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाए। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आपको पता है जहां पे प्रॉफिट किया जाए, जहां प्रॉफिट होगा वहीं लॉ ऑफ सप्लाई होगा, बट अगर कोई ऐसी एक्टिविटी जहां हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं है वहां पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं अप्लाई हो पाएगा, लागू नहीं पड़ पाएगा वहां पे। इसके बाद आगे बढ़े तो वो है नंबर 4th और सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। देखो यहां पे मैं आपको दो चीजें आसानी से समझाना चाहूंगा। सबसे पहला देखो, ये फार्मर है, ये फूड ग्रेन्स है, यहां पे हम लोग फार्मर को कंसीडर करके चल रहे हैं। फार्मर प्रोड्यूसर भी है, मार्केट में सप्लायर भी है। ठीक है, फार्मर इज अ सप्लायर फॉर अस, और आप सोचो फार्मर हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो लॉन्ग रन की बात की जाए, यानी कि अगर कोई फार्मर ऐसा सोचता है कि लॉन्ग रन में कोई भी गुड्स की प्राइस बढ़ने वाली है, ठीक है, तो वो क्या करेगा पता है, अभी उसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि फ्यूचर का सोच रहा है वो, तो अभी उसका जो सप्लाई है वो बढ़ सकता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, लॉन्ग रन की। बट अगर वो फार्मर है, वो ऐसा सोच रहा है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस जो है कोई प्रोडक्ट, मतलब मान लो वीट है या एनीथिंग जो फूड ग्रेन्स में आता है, ठीक है, उसकी प्राइस जो है वो कम हो रही है फ्यूचर में, तो आपको पता है वो उस चीज का प्रोडक्शन नहीं करेगा, बिकॉज वो ऐसा एस्टिमेट लगा रहा है। तो लॉन्ग रन के अंदर लॉ ऑफ सप्लाई लागू पड़ता है, अप्लाई होता है। बट मैं जब बात करूं शॉर्ट रन की, यानी कि कम समय के अंदर, अगर मान लो कोई फार्मर है और उसने प्रोडक्शन कर लिया है और उसके बाद अब उसको बेचना है मार्केट में, ठीक है, तो देखो एक सीधी सी चीज, फूड ग्रेन्स एक ऐसी चीज है जो ज्यादा लॉन्ग समय तक नहीं रहती, उसको फार्मर्स को बेचना पड़ता है, और फार्मर ये सोच रहा है कि कम समय में उसको प्रॉफिट मिल जाए, यानी कम समय में उसको पैसा चाहिए,
उसका जो गुड्स है उसको कन्वर्ट करना है पैसों में, तो आपको पता है शॉर्ट रन के अंदर फार्मर के लिए प्राइस मायने नहीं रखती, उसको जो भाव मिलेगा ना वो मार्केट में बेचने को तैयार होगा। तो शॉर्ट रन के अंदर ये जो लॉ सप्लाई है ना वो अप्लाई नहीं हो पाता, समझ में आया। यानी कि अगर मैं बात करूं लॉन्ग रन की तो लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई है, बिकॉज फार्मर यहाँ पे प्राइस को सोच के प्रोडक्शन अपना बढ़ा रहा है, और प्राइस कम हो रही है तो प्रोडक्शन कम कर रहा है, सप्लाई कम कर रहा है। बट शॉर्ट रन में तो उसका प्रोडक्शन हो चुका है, अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई, उसको मार्केट में बेचना ही पड़ेगा, चाहे उसको प्रॉफिट मिले या कम मिले प्रॉफिट, उसको बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स का सप्लाई दो चीजों में बटा हुआ होता है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में। आगे हम लोग बात करें तो आखिरी पॉइंट है सप्लाई ऑफ लेबर। अब देखो जो सप्लाई ऑफ लेबर है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले नॉर्मल सिचुएशन की बात करें, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आपको पता है क्या होता है, अगर मान लो लेबर्स है उनको क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। वेजेस यानी उसको पर डे जो लेबर करते हैं वो लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, लेबर करते हैं उसका जो रिटर्न मिलता है वो वेजेस होता है। अब मान लो लेबर का वेजेस जो है वो राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपको पता है सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगा, मार्केट में लेबर लोग बढ़ना चालू हो जाएंगे, मजूरी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। कब? जब कोई भी लेबर का वेजेस इंक्रीज होता है तो मार्केट में सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाता है, ठीक है। और यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल है, बट लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल कब नहीं है तो यहां पे ध्यान देना, बहुत से ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां पे जो लेबरर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं उसको लेबरर कहा जाता है, और लेबर यानी होता है मजदूरी, ठीक है। अब ये जो लेबरर्स होते हैं वो अगर मान लो सेटिस्फाइड है अपने काम से, अपने वेजेस से, उनको जो भी पैसा मिलता है अपने वेजेस मिलते हैं उससे वो लोग सेटिस्फाइड है, तो उस टाइम पे अगर मान लो उनका मतलब हम लोग कहेंगे सेटिस्फाइड है, तो अगर मान लो वेज रेट यानी कि वेजेस जो है वो इंक्रीज होने पर भी उनका सप्लाई नहीं बढ़ेगा। और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, से फॉर एग्जाम्पल मान लो मार्केट के अंदर वेजेस चल रहा है 500 रुपीज पर डे, एक दिन के 500 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा कि 500 रुपए की जगह 600 या 700 रुपए हो गया पर डे का, ठीक है, 700 रुपीज एक दिन का मजदूरी हो गया। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस कम होगी तो नॉर्मल सिचुएशन में प्राइस कम होने पर सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाएगा। बट मैं एक्सेप्शनल केस की बात करूं कि जो लेबर है ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको 500 रुपए मिल रहे हैं ना वो उससे सेटिस्फाइड है, उनको ज्यादा पैसे चाहिए ही नहीं, मतलब उनको ऐसे ही लालच ही नहीं है कि हमको ज्यादा, जो मिल रहा है वो ठीक है भाई, जो मिल रहा है वो काम चला लेंगे, उनको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे कितनी भी प्राइस बढ़े या कम हो उस लेबर का सप्लाई नहीं बढ़ेगा, मार्केट में जितने लेबर है उतना ही रहेगा, सप्लाई नहीं बढ़ेगा। तो यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हो पाता है, बट ये एक्सेप्शनल केस है तब जाके। तो इस तरह से हमने टोटल 5 तरीके के हमने एक्सेप्शनल केस पढ़े, ठीक है, और ये पांचों 5 सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सबसे पहला था रेयर गुड्स, दूसरा है नंबर 2 पेरिशेबल गुड्स, नंबर 3 है प्रोडक्शन विदाउट प्रॉफिट मोटिव, नंबर 4 है सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, और नंबर 5 है सप्लाई ऑफ लेबर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड थैंक यू सो मच।